हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीएम योगी के मन में कांग्रेस का खौफ, पदाधिकारियों को किया नजरबंद। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि सीएम के विरोध का ऐलान करने के बाद कांग्रेस नेताओं को घर में किया गया कैद। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है सरकार, अभिषेक गोयल ने कहा। जनपद हापुड़ में आज यानी 22 सितंबर दिन बुधवार को कांग्रेस पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है। सुबह से ही पुलिस कांग्रेस पदाधिकारियों के घर पहुंच गई। कांग्रेस ने डीएम को सौंपे ज्ञापन के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल के जरिए सीएम योगी से मुलाकात करवाने की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि अगर उनके द्वारा उठाई गई जनपद की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे सीएम का विरोध करेंगे। इससे घबराकर सीएम योगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया और कांग्रेस पदाधिकारियों को घर में नजरबंद कर दिया। हापुड़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल, जिला अध्यक्ष एससी विभाग नरेश कुमार भाटी, शहर कोषाध्यक्ष विक्की शर्मा और कांग्रेस सेवादल प्रदेश सचिव अंकित शर्मा को नजरबंद कर दिया गया है। हापुड़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने इसे सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही तरीके से जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। फिलहाल पुलिस की इस कार्यवाही से कांग्रेस जनों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।